हेलो अर्जुन, जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कल मैंने आपको हाइड्रोजन के एटम मोनोमर बेस यानी बोर मोनोमर बेस में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर चला। अब देखिए उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद करोगे कि कैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी का आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ओके, अब इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूं वो क्वेश्चंस हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 × 10⁻⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.02, हाँ 2.05 सॉरी 2.05 10⁻⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये इतनी है। तो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अब वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए देखो लैम्डा इक्वल एच अपॉन एन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। एच टाइम कॉन्स्टेंट है, एच में 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ओके, मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाटी ऑफ कितना 9.1 × 10⁻³⁴ राइट, और इसमें आपका आंसर आ जाए। क्लियर, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 सेम इसी पर बेस्ड है, हमें इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, और हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्यों हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले हम यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ठीक है। अब जो यहां से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू को मैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ब्लैक ड्राइव पर एच अपॉन एम में पुट कर दूं। एच टाइम कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी वेलोसिटी, जो यहां से वेलोसिटी आई। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लोग खुद करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दैट इज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज यहां पर बतानी है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने हैं, ठीक है, उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देंगे एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें आयंस में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, राइट, इसके साथ साथ सल्फर पर 2 ion नेगेटिव चार्ज और आर्गन, सल्फर पर 2 ion नेगेटिव चार्ज और आर्गन। देखना, हाँ, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन इनमें तो है, देखो 11 एटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 12 एटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन इन ईच, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर पोटेशियम का 19 होता है, एटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया 18, कैल्शियम का एटम नंबर 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटम नंबर 16 होता है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो 16 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए 18, आर में आपका आर का नंबर 18, आर में 18 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ये हो गई, ठीक है, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन।
अब इसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 23, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एच नेगेटिव आयन सोडियम आयन। देखो जरा मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को थोड़ा आराम के साथ लेकर चलूंगा, ठीक है, जिससे कि तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको प्रिंसिपल कराया था लेकिन इस टाइम कोई एग्जाम्पल नहीं कराए, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को छोड़कर यहां पर आपके साथ कुछ अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करा रहा हूं, ठीक है। अब देखना आप प्रिंसिपल में ऑर्बिटर्स की एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये है, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p ठीक है, 7s 7, ठीक है, तो इस तरह चलता जाएगा। बस मैंने आपको यहीं तक कराया। देखो आप तो जानते हो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, होते हैं 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो जरा मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर पुट कर दूं तो कहां तक कितने एटॉमिक नंबर तक मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। देखो पूरा कौन 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 4, 2 देखिए यहां 10 बाई 2 टू 4, 6, 10 20, 30, 6, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 88 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। यदि आपको इससे भी ज्यादा करना है तो ये आप लोग इस तरह से कर सकते हो, 7s के बाद भाई आप लोग करोगे 5f 14, ठीक है, 6d 10, ओके 6d 10, 7d 6, अब दो कितना हो गया 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 102, 112, 118 बेटा 118 एटॉमिक नंबर तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये सीरियल ऑर्डर याद नहीं रह पाता है, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं क्या टीचर ने भी रट रखा है क्या। बेटा इसे याद करने की ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, देखो फर्स्ट स्टेप 1s, सेकंड स्टेप 2s2, 3 स्टेप 3s3, ओके 4 स्टेप 4s4, चौथे नंबर पर आ 1 डिजिट कम 3, ऐसी आगे 5s5d में 1 नंबर कम 4d इनके बीच में। अब दो बार डी आने के बाद अब आपका एफ की एंट्री होगी, ठीक है, तो 6s 6p के बीच 2 डिजिट कम f यानी 4f 14, एक ज्यादा 5d 10। सेम नेक्स्ट स्टेप इस तरह से 7s 7p के बीच 2 डिजिट कम f यानी 5f और 8 डिजिट ज्यादा 6d। आप यदि स्टेप वाइज याद होंगे तो याद हो जाएगा, वरना पूरा साल बीत जाएगा, आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होने का है। रटोगे रटने से कुछ भी तैयार नहीं होता है, क्लियर। अब देखना जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं, ठीक है, देखिएगा अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं यहां पर, यदि मेरे पास कोई 20 है, कोई है एटम, चलो कैल्शियम का 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देखो 20 10 10 20 मैग्नीज है, मैग्नीज
25. देखना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. हो गया बच्चे बेटा। लेकिन यहां पर देखना केमिस्ट्री में जहां पर भी कोई रूल बनाया है, कम से कम भाई ए तो एक्सेप्शन केस जरूर होता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कई सारे एक्सेप्शन केस हैं। वो एक्सेप्शन केस वाले एटम नंबर है 24, 29, ठीक है, 40 से 50 के बीच है, 41, 42, ऐसे 47 समथिंग, यहाँ पर कई सारे एलिमेंट हैं। लेकिन जनरली आप 24, 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा भाई, क्रोमियम है 24, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p4. आपके पास ऐसा मुझे 24, 10, 24, लेकिन ये गलत है। क्यों? डी में होते हैं 5 आने, 5 और, ठीक है, 5 और। आप देखो 4 करते हो, 1, 2, 3, 4, अब एक खाली रह जाता है। यदि हाफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो ज्यादा स्टेप हो जाए, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला जाए, तो क्या होगा, सही 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब ये मेरा सही, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से पर चला जाएगा तो कंप्लीट हाफ फिल्ड हो जाएगा, पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्लियर। अब ऐसे कोपर का ऑर्बिटल 29 देखेगा, कोपर 29, कोपर का यार ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालकर ये सब कुछ करना है आपको अपनी कॉपी पर, जो पहले मैंने सीक्वेंस लिखा था, फिर इन सभी एटम्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं अपनी कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है। और इसके बाद कोपर, हाँ देखिएगा कोपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, देखो 10, 29। अब बेटा ये ऐसे नहीं होता है, क्यों, यहां पर डी में पांच ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन में मिल जाए कंप्लीट फिल्ड में जाए और ज्यादा स्टेबल मिल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल यहां पर आ जाए। सही वे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ये आपका सही वे। और बेटा आप कहोगे ये एक्सेप्शन केस वाले कौन से हैं, आपकी एनसीईआरटी में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी टेबल दी है पूरे पेज में, उन एटम्स के पास स्टार के सिंबल लगे हुए हैं, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद तो क्लास अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। बेटा बस एक करा रहा हूं, ऑक्सीजन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, केवल सी पार्ट करा रहा हूं, 23 का फर्स्ट पार्ट, 23 का फर्स्ट पार्ट, हाँ 23 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सी पार्ट, हाँ 2.23 का फर्स्ट का सी पार्ट, जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4, है ना। अब जब उसका माइनस ऑक्सीजन का तो 8 माइनस 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, माइनस 2, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 8 कितने हो गए, 10, 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, अरे वो 8 को ऑक्सीजन 2 बाहर से आ गए 10। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। अब चलो एक और देखो, डी फ्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन का अगर नहीं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, सेम यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, क्लियर, तो जल्दी से नोट।
इसके बाद 23 का सेकेंड पार्ट देखना, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा बस एक करा रहा हूं 23 के सेकेंड पार्ट में, अब वो करा रहा हूं मैं C3P5, ठीक है। 23 का सेकेंड पार्ट का C3P5 है सर, 3P5, हाँ। तो बेटा इसे पूरा करना है आपने कौन से, इससे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, भाई 3s2 का 3p5। देखो हमें क्या करना है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर बताना। देखो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना, काउंट करो 10, 12, 17, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी 72, ठीक है। ये आप बाकी अपने आप करना ही, मैं नहीं कराऊंगा। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन। देखो एक बार और सुनिएगा साथ में, 23 का थर्ड पार्ट, ठीक है, 23 का थर्ड पार्ट, तो 23 का थर्ड पार्ट है, जैसे मैं एक लेकर चल रहा हूं सी पार्ट, आर्गन 4s2 3d1, ठीक है, 23 का थर्ड पार्ट। आर्गन 4s2 3d1, देखो बेटा ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा ना, वो पूछता है विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन। देखो विच एटम बेटा, यहां तक तो पूरा होता आर्गन, आर्गन ऐसा एलिमेंट जिसका एटम नंबर कितना है 18, ठीक है, 18 तो यहां तक हो गया, हमें एटम नंबर याद होना चाहिए 18 to 20, 120। ये 21 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो एलिमेंट कौन सा, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 20। तो ये देखो कॉन्फिगरेशन दो तरह से लिख देते हैं, यदि मैं लिखूं भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 3p1, ये हो रहा 21 10 21। अब देखो हम इसमें नोबल गैसेस जहां तक मैक्सिमम लिख सकते हैं, ये किसका होता है नोबल गैसेस का होता है 18, तो मैंने आर लिख दिया। तो देखो चाहे तो ऐसे कर दो, या फिर यहां से लेके यहां तक 18 आर लिखा, और उससे ऊपर दो 4s2 3d1, ठीक है। ऐसे में कुछ ले सकता हूं, यदि मैं देखो कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड, जैसे मैं डायमेंशन ले लेते हैं, 12 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे किसका नियॉन का, और चाहे ऐसे ले दो नियॉन 3s2 बात ए, क्लियर। तो ये सारी बातें मैंने आपको सही करके क्लियर कर दी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ जी ऑर्बिटर टू एग्जिस्ट। बेटा जी ऑर्बिटर देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा जी के लिए देखो एस पी डी एफ जी, तो जो एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है 4, लेकिन जो एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक 1, 2, 3, 4, 5, 10 की वैल्यू होगी 5,
बेटा जीरो से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, एन की वैल्यू 5। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, वन इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, गिव पॉसिबल वैल्यू एन एल और एन एल फॉर द इलेक्ट्रॉन। देखिएगा 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.25। देखो 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, हमें इसलिए एन एल और एन एल की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है क्लास। देखो बेटा ये तो होती है एन की वैल्यू, तो एन इक्वल क्या होगा 3। अब एल की वैल्यू याद करो, एस पी डी एफ जी, वैल्यू ऑफ एल 0, 1, 2, 3, 4। डी आ रहा है, डी के लिए, देखो ये बात याद हो जानी चाहिए न्यूमेरिकल से, डी के लिए एल की वैल्यू क्या 2, डी के लिए एल की वैल्यू, और बेटा एल की वैल्यू 2 है के लिए, और एम एल की वैल्यू -2 से इंक्लूडिंग 0 प्लस, देखो -1, 0, +1, +2। बेटा डी में, डी में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब दो इलेक्ट्रॉन को यहां से एंटर करेंगे ना, यहां से पहले यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर यहां, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, कंपैरेटिव फ्लो है। तो बेटा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर एम एल की वैल्यू -2 होगी, एम एल की वैल्यू माइनस का ये पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल, लेकिन भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पर 3D में, एक इलेक्ट्रॉन, तो एम एल की वैल्यू क्या माइनस, तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखना, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये बोलता है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन 35 प्रोटॉन्स, कोई एटम है 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं 35 न्यूट्रॉन्स हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ऊपर का डायग्राम 29 के मैंने अभी कराया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्सेप्शनल केस था, आप लोग अपने आप करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई करने का, आप लोग जानते हो, खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसिस H2+, H2 और O2+। देखिएगा एक करा, सभी एक जैसे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, देखो H2+ ले लो और एक करो O2+। बेटा हाइड्रोजन एटम नंबर 1, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, अब प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एच, भाई बेटा एच में 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, एक आगे में एक इलेक्ट्रॉन, एच में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 1। O2+ देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2+, ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना, 1, ठीक है, O2 में 16, एक छोड़ दिया 15 इलेक्ट्रॉन्स, आप करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे आप लोग खुद कीजिएगा, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एन इक्वल 3, विच आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एम एल। बेटा एन इक्वल 3 है तो एल की तो पॉसिबल वैल्यू है,
एंड एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एन इक्वल 3, व्हाट आर द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एल और एमएल? क्वेश्चन नंबर 2.28 का फर्स्ट पार्ट देखो, एन इक्वल 3 के लिए क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 भाई तीन वैल्यू हमने जीरो से लेकर एन माइनस वन तक। अब क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एम देखो, इफ एल इक्वल 0 तो एम एल की वैल्यू 0 होगी, इफ एल इक्वल 1 तो एम एल की वैल्यू माइनस वन से प्लस एल इंक्लूडिंग माइनस वन 0 प्लस वन, इफ एल इक्वल 2 एम एल की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1। ये इस तरह देखिए सभी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ लिस्ट दी क्वांटम नंबर एम एल एंड एल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 3d ऑर्बिटल। देखो बेटा आप लोग खुद कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं बार बार नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत आसान, ठीक है? अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड पार्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? 1p पॉसिबल नहीं है, ठीक है? 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है, ना ही तो 1p पॉसिबल है ना ही 3f पॉसिबल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, यूजिंग sp(d) नोटेशन डेस्क्राइब दी फॉलोइंग डेस्क्राइब दी ऑर्बिटल्स विद दी फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। बेटा n इक्वल 1, l इक्वल 0। अच्छा क्वेश्चन है 29 का ए पार्ट, देखो 29 का ए पार्ट। हाँ भाई बहुत आसान है, ये लो मैं 2.29 ए पार्ट, एन इक्वल 1 एल इक्वल 0, बी भी ले रहा हूं मैं, एन इक्वल 1 एल इक्वल 0 और भाई बी पार्ट एन इक्वल 3 एल इक्वल 1 एन इक्वल 3 एल इक्वल 1 और ले लो एट पार्ट ले रहा हूं बस मैं, डी पार्ट एन इक्वल 4 एल इक्वल 3 एन इक्वल 4 एल। देखो एक्चुअली एस पी डी एफ 0 एल की वैल्यू 0 1 2 3 देखो बेटा एल इक्वल 0 एस ये 1 एस देखो एन के यहां पर नहीं जाती है एल इक्वल 0 एस एन इक्वल 3 के एल इक्वल 1 3। अब देखो एन इक्वल 4 एल इक्वल 3 एल इक्वल 3 एफ इसका मतलब 4 एफ, इस तरह भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें और क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, बेटा ये आप लोग अपने आप करेंगे क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, चलो ऐसी बात मैं एक पार्ट लेकर चल रहा हूं, बस हमें बताना है कि पूरा सेट करेक्ट है या इनकरेक्ट। एक्चुअली मेरी वीडियो पॉज हो गई है बच्चों, तो बेटा खैर कोई नहीं, ये आगे वीडियो नहीं चल रही है, थोड़ा मोबाइल मेरा हैंग हो गया है, कोई नहीं मेरी आवाज आती है आपको, मेरी वॉइस आ रही है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 29 कर दिया है। खैर कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर चलूंगा, ठीक है? तो क्लास आप इन न्यूमेरिकल्स को कीजिएगा और ये कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? खैर कोई नहीं, दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29, तो एन इक्वल 1 आप जानते हो एस पी डी एफ एल इक्वल 0 1 2 3 ओके एन इक्वल 1 एल इक्वल 0 भाई एन इक्वल 1 तो यहां पर होता है एल इक्वल 0 के लिए एस तो 1 एस, ऐसी एन इक्वल 3 एल इक्वल 1 एल इक्वल 1 के लिए पी पी आ गया तो 3 पी, ऐसे ही एल इक्वल 3 के लिए एल इक्वल 3 के लिए एफ एफ ऑर्बिटल, एन के लिए क्या है 4 तो 4 एफ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बेटा इसका मतलब अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर ये है 30, आप लोग करें इस क्वेश्चन को, ठीक है? जैसे मैं बात करूं कि हमें इसमें बताना है एक्सप्लेन गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल,
बेटा देखो n इक्वल जीरो के लिए l इक्वल जीरो, भाई n इक्वल जीरो तो होता ही नहीं है, n इक्वल वन टू से स्टार्ट होता है, n इक्वल जीरो नहीं होता है, तो पहला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा वैल्यू ऑफ n वन से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ b पार्ट n इक्वल वन l की वैल्यू जीरो होगी, भाई क्वांटम नंबर से बेस्ड है, मैं आपको बहुत डीपली क्वांटम नंबर से लेकर चुका हूं, आप लोग अपने आप करें इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन नंबर जो 30 का सी पार्ट है, n इक्वल वन, बेटा l इक्वल जीरो होगा n इक्वल वन के लिए, तो जीरो से स्टार्ट होता ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n देयर आर n वैल्यूज ऑफ l एंड दीज आर फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन। देखो मुझे अभी भी याद है लैंग्वेज जो मैंने आपको लिखाई है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करें, क्वेश्चन नंबर 31 भी आप लोगों को खुद ही करना है, क्वेश्चन नंबर 31 भी मैं नहीं कराऊंगा, क्यों, n इक्वल फोर, बेटा हमें बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल फोर एम एस की वैल्यू माइनस का 1/2। देखो क्वेश्चन का आपका 31, n इक्वल फोर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, 2 4 का स्क्वायर, 4 4 32, 4 4 16 32 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इन 32 इलेक्ट्रॉन्स आधे तो होंगे ऊपर की साइड, आधे होंगे नीचे की साइड, क्यों, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसे एक ग्लोबल एक्सिस में, एंटी ग्लोबल डायरेक्शन में, जो ऊपर की साइड है एम एस की वैल्यू प्लस का 1/2, जो नीचे की डायरेक्शन एम एस की वैल्यू माइनस का 1/2, ठीक है। तो आधे होंगे ग्लोबल डायरेक्शन, आधे होंगे एंटी ग्लोबल डायरेक्शन, तो एम एस की वैल्यू माइनस 1/2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहां पर कितने, 4 एम एस माइनस 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16, इस तरह, ठीक है। ऐसे ही आप लोग खुद करें, 31 n इक्वल 3 l इक्वल 0, बेटा l इक्वल 0 किसके लिए होता है, ऐसे ही देखो l इक्वल 0 ऐसे ही, अब ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n इक्वल 3 और l इक्वल 0 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों, एल इक्वल जीरो में एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में एक खाना, एक खाना में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। क्लास आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हो कराए हैं मैंने बेटा, इसके बाद ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे, आप भी मैक्सिमम क्वेश्चन करें। अब देखना मैं इस चैप्टर में केवल 2 वीडियो और आपको सेंड करूंगा बस, ठीक है। ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल में टच कर रहा हूं, कुछ आप भी कीजिएगा, जिसमें डाउट है आप लोग डिस्कस करें, ठीक है, जो आपकी संडे को होगी। ओके ओके क्लास।